नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं हरे चने की निमोना की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बिरौला भी बोला जाता है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। तो एक कटोरी चने को हमने छील करके और धो करके रख लिया है। एक आलू को हमने इस तरीके से पीसेस में कट करे हैं और धो लिए हैं। दो हरी मिर्च, तीन चार लहसुन की कलियाँ, धनिया पत्ती, एक बड़ी प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। नमक स्वाद के अनुसार, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग, जीरा और ये गरम मसाला। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। ये हम मिक्सी का जार ले लिए हैं और इसमें हम डाल देंगे चने। इस तरीके से हमने इतने चने डाल दिए हैं और इतने चने को बचा करके रख लेंगे और इसको पीस लेंगे। ये देखिए चना हमारा पीस चुका है और हमको इतना दरदरा ही पीसना था, इसको ज़्यादा नहीं पीसना है, तो इसलिए हमने इतना ही पीसा इस तरीके से और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था। अब हम इसको निकाल लेंगे एक कटोरी में। ये देखिए हमने इसको एक कटोरी में निकाल करके रख लिया है। अब हम फिर से मिक्सी का जार ले लिए हैं और इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती, लहसुन और हरी मिर्च। आप चाहे तो अदरक भी ले सकते हैं, मैंने नहीं लिया है, और इसे भी पीस लेंगे। ये देखिए हमारा ये पीस चुका है और हमारा ये बारीक नहीं पीसा है, क्योंकि हमारा जो मिक्सी का छोटा वाला जार है वो खराब हो गया है और बड़े वाले जार में पीसी हूँ तो ये थोड़ा सा था, तो इसलिए अच्छे से नहीं पीसा है। लेकिन इसको बिल्कुल बारीक पीसना है, आप इसको बारीक ही पीसिएगा तभी अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसे रख देंगे साइड में। गैस पे हमने पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और इसमें डाल देंगे तेल। तो हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू, जो हमने कट करके और धो करके रख लिया था। ये देखिए आलू हमारी पूरी अच्छी तरीके से भुन चुकी है, कैसे लाल हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे इस प्लेट में और गैस को बंद कर देंगे। थोड़ा सा इसमें तेल और डाल दिया है और गैस को ऑन कर दिया है तेज फ्लेम में। अब डाल देंगे इसमें जीरा और हींग, डाल देंगे प्याज। प्याज हमारी भुन चुकी है, इसमें डाल देंगे खड़े चने, इसे भी भून लेंगे थोड़ा सा। अब इसमें डाल देंगे पीसे हुए चने और इसे अच्छे से भून लेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे कि अच्छी तरीके से हमारे चने भुन चुके हैं। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और मिला लें, धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसे इस तरीके से मिला लें। ये देखिए अच्छे से मिल चुका है, सोना सोना सा खुशबू आने लग गई है, इसका मतलब धनिया भी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब इसमें डाल देंगे हम गरम मसाला, गैस को मंदी कर देंगे ताकि आराम से हम चला सकें, नहीं तो गैस तेज रहेगी तो मसाला जलने का डर रहता है। डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैं पहले सामग्री में नहीं दिखा पाई थी, हमने दो टमाटर काट लिए हैं। और नमक, नमक स्वाद के अनुसार, नमक डालने से टमाटर नरम हो जाते हैं, इसलिए टमाटर के साथ ही नमक डालिएगा। जब टमाटर डालें तब नमक डालिएगा। और हम इसे ढक करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आलू, इसे भी चला लेंगे इस तरीके से। अब डाल देंगे चटनी। अब हम गैस को तेज कर देंगे और डाल देंगे पानी। तो हम इसमें अभी एक गिलास पानी ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे। तो हम एक गिलास पानी इसमें और ऐड कर दिए हैं, इसका मतलब हमने दो गिलास इसमें पानी ऐड करा है। और इसे इस तरीके से चला लेंगे और इसे ढक करके रख देंगे। अब हम इसे खोल करके चेक करेंगे। देखिए इसमें उबाल आ गई है, एक उबाल आ गई है इसमें। अब हम गैस को थोड़ा सा मद्दी कर देंगे, मद्दी गैस पे पकाएंगे ताकि हमारा जो चना है, आलू है, टमाटर है, सब अच्छी तरीके से पक जाए। और इसे ढक करके रख देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसे खोल खोल करके हम चेक करते रहेंगे। अब हम इसे खोल करके चेक करेंगे कि हमारी सब्जी पक गई है कि नहीं। इससे पहले हमने इसे एक बार और खोल करके और चलाया था, तो ये हमारे हरे मटर का निमोना पक करके पूरा तैयार हो गया है अच्छी तरीके से। हमें इतना ही गाढ़ा करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ।
ये हमारा बहुत ही टेस्टी हरे चने की निमोना की सब्जी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।